नमस्कार एसपीटी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ आभा। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण, पैसे की तरह बहाया गया धन और राजनीतिक दलों की मनमानी, कुछ भी काम न आया। धन बल, जात पात और राजनीतिक दल सबकी करारी हार हुई है। आखिरकार हमारा श्रीगंगानगर जीत ही गया। बीजेपी और कांग्रेस चारों खाने चित गिरी। जातिगत वोटों के आधार पर जीतने के सपने भी पूरे नहीं हुए। न तो धन का अहंकार टिक पाया और न ही जाति का और न ही किसी राजनीतिक दल का। जब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई तो यहां जातिगत समीकरणों से ही हार जीत के मापदंड तय किए जा रहे थे। राधेश्याम गंगानगर को लग रहा था कि वे अरोड़ा वोटों के सहारे चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे। बीजेपी ने भी अरोड़ा कार्ड खेलकर चुनावी समर जीतना चाहा। प्रहलाद राय टाक कुम्हार वोटों के सहारे विधानसभा में पहुंचने का अरमान पाल बैठे तो कामनी जिंदल ने भी अग्रवाल वोटों की मदद से दोबारा विधायक बनना चाहा। जाति आधार पर चुनाव जीतने की फिराक में मैदान में उतरे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के अरोड़ा, कुम्हार, अग्रवाल समेत जातियों ने जो पटकनी दी है वो मिसाल बन गई है। 36 कौमों ने ठान लिया कि इस बार जातिगत आधार पर किसी की दाल न गलने देंगे, सबको करारी मात देंगे। और हुआ भी यही। कांग्रेस और भाजपा ने मनमाना रवैया अपनाकर ऐसे लोगों को टिकट दिए। कांग्रेस और भाजपा ने जनता को अपने इशारे पर नाचने वाला समझ लिया था, लेकिन जनता ने दोनों ही दलों को नकार कर लोकतंत्र में अपनी ताकत एक बार फिर से दिखा दी है। श्रीगंगानगर हर मुद्दे पर अपनी एकता दिखाता रहा है। विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर ने यही एकता फिर से दिखाई है। अब किसी राजनीतिक दल, किसी धरना सेठ और किसी जातीय आधार वाले नेता की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो श्रीगंगानगर की जनता को कमतर आंके। चुनाव में जनता ने ऐसे तत्वों को बहुत ही करारा सबक दिया है जिसे वे शायद ही कभी भूल पाएं। तो इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसपीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।